सुप्रभात और धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम साजू जोसेफ है और मैं गैदरिंग कलीसिया में एक अगुवा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ में जुड़े ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके और परमेश्वर से के वचन से हम सीखें और परमेश्वर के वचन से हम प्रोत्साहन को पाएं। सो दोस्तों, आज का जो रविवार है वो 12वां रविवार है जहाँ हम इस तरह डिजिटल माध्यम में हमारी मुलाकात हो रही है और मैं आशा कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि जल्द से जल्द परमेश्वर इस लॉकडाउन को समाप्त करे ताकि हम आपके साथ में संगति कर सकें और आपके साथ में हमारी मुलाकात हो। लेकिन वो समय आने तक मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर हमारे हृदय में कुछ कार्य कर रहा है, हमारे मनों को परिवर्तित कर रहा है, हमारे दिलों को परिवर्तित कर रहा है जैसे हम इस तरह के संघर्ष से गुजर रहे हैं। अगर वचन को जाने, वचन को समझे तो हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के गाइडेंस के द्वारा हमें अपने बेटे यीशु मसीह के स्वरूप में तब्दील किए जा रहा है। तो आइए दोस्तों, ये वक्त हम परमेश्वर को पूरी तरह से योगदान दें ताकि परमेश्वर हमारे हृदय में काम करे। इसलिए दोस्तों, आज सुबह भी हम एक बहुत ही खास विषय के ऊपर प्रार्थना करें और ये विषय भी बहुत जरूरी है हमारे विश्वासी जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए। और जो विषय है उसका नाम है प्रार्थना और धन्यवाद देना, प्रार्थना और धन्यवाद देना। और जो वचन को हम देखेंगे वो है पहला तिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। देखिए दोस्तों, इस वचन में पौलुस तिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिख रहा है। अब थोड़ा सा आपको संदर्भ देते हुए मैं बताता हूं, तिस्सलुनीकियों की कलीसिया ऐसी एक कलीसिया है जो एक अन्य जाति का एक प्रदेश रहा है जहां के लोगों ने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने के बाद यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने विश्वास किया और यीशु मसीह के पीछे होने का उन्होंने निर्णय लिया, जिसके वजह से उनके जीवनों में बहुत ज्यादा पीड़ा, बहुत ज्यादा संघर्ष और बहुत ज्यादा दुविधाओं से वो गुजर रहे हैं। और ऐसे कलीसिया को पौलुस लिखता है, निरंतर यानी कि बिना रुके प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, अगर हम ईमानदार हैं, आज सुबह हम सब ये कबूल करेंगे, ये जो क्षेत्र है प्रार्थना और धन्यवाद देना और खास करके निरंतर प्रार्थना और धन्यवाद देना, ये हमारे विश्वासी जीवन का सबसे सबसे चैलेंजिंग क्षेत्र है, सबसे चैलेंजिंग क्षेत्र है। हम एक दिन या दो दिन के लिए बहुत सॉलिड तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन निरंतर हर रोज प्रार्थना करना, ये हम संघर्ष करते हैं इस क्षेत्र को लेकर। और दोस्तों, जब प्रार्थना के विषय में बातचीत हो रही है, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए और किस मुद्दे को लेकर प्रार्थना की, ये तो सेकेंडरी है, ये तो बाद में आता है। हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए और किन बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे पहले तो इस बात की संघर्ष करते हैं कि प्रार्थना करने के लिए अपने मन को बनाए कैसे, कैसे बनाए। एक या दो दिन के लिए हम मन को बना पाते हैं, लेकिन उसके बाद के दिनों में हम हमारे मन को तैयार नहीं कर पाते परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए। पब्लिक में अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों और बहनों के साथ तो हम प्रार्थना कर पाते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में हम सब संघर्ष करते हैं। संघर्ष इसीलिए क्योंकि हम सब ये कहेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका प्रार्थना जीवन कैसा है, क्या आप खुश है आपके प्रार्थना जीवन से ज्यादा लोग कहेंगे हम अपने प्रार्थना जीवन से खुश नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थना जरूरी है, लेकिन जिस तरह का प्रार्थना का जीवन हमें बिताना चाहिए और जिस तरह धन्यवाद जीवन बिताना चाहिए उस तरह का हम नहीं बिताते हैं और उसमें हम संघर्ष करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज के इस संदेश में मैं आपको ये नहीं प्रचार करूंगा कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ये हम कोई और दिन करेंगे, या किस मुद्दे पर प्रार्थना करना है ये भी हम कुछ और दिन करेंगे। आज जो विषय के ऊपर मैं प्रचार करना चाहता हूं वो है हम प्रार्थना करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए अपने मन को तैयार कैसे करें, या फिर हमारे प्रार्थना करने के क्षेत्र में और धन्यवाद के हृदय और धन्यवाद देने के क्षेत्र में हम किस तरह के संघर्षों का सामना करते हैं और वो संघर्षों से कैसे विजय पा सकते हैं। इसीलिए आज के जो संदेश है, संदेश का शीर्षक मैंने दिया है, प्रार्थना और धन्यवाद के क्षेत्र में सफलता पाना। तो दोस्तों, आइए वचन को देखें। मैं दो संघर्ष या दो बाधाओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे बाधाएं हैं हमारे प्रार्थना जीवन में हमें सफलता हासिल करने के लिए,
और मैं उनमें से दो कारणों को आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, दो मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि कई बार हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बनी बैठी रहती है, जिसके वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पाते और धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर के पास नहीं लेकर आ पाते हैं। सबसे पहला जो बाधा है वो मैं समझता हूं वो है कि परमेश्वर के प्रति गलत विचारधाराएं। कई बार परमेश्वर के प्रति गलत विचारधाराएं होने की वजह से हमारे प्रार्थना के जीवन में हम विजय नहीं देख पाते। अब क्यों और कैसे? सबसे पहले दोस्तों, हम इंसान होने के नाते हम अपनी दुनिया को अपनी सहज ज्ञान के द्वारा और अपने अनुभवों के द्वारा इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हम बड़े हुए हैं और ये इसी तरह से हर इंसान बड़ा होता है। हम एक दूसरे को देखकर हमारे अनुभव से सीखते हैं, हमने जो गलतियां की हैं उसको समझते हुए देखते हुए हम आगे के जीवन में किस तरह से हमारा पड़ाव होना चाहिए हम सीखते हैं। हम लोगों के बारे में विचारधाराएं हमारे अनुभवों से, हमारे सहज ज्ञान से बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इंसान होने के नाते ऐसे ही हम सब बढ़ते हैं। लेकिन मुसीबत तब पड़ती है और मुसीबत तब आन पड़ती है जब हम परमेश्वर को भी, जो परम प्रधान परमेश्वर है जो सृष्टि का रचना करता है, उसको उसके बारे में भी, परमेश्वर के बारे में भी जो विचारधाराएं हैं वो सांसारिक जरियों का और अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए हम परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसके वजह से हम बहुत सारे आत्मिक चीजों में हम परमेश्वर जैसे बढ़ाना चाहते हैं उस तरह से हम नहीं बढ़ पाते। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, ओके, जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर को हम जानते हैं कि वो हमारा पिता है, तो हम परमेश्वर पिता कैसा होगा और उसके बारे में क्या विचारधाराएं बनाते हैं। कई बार हम हमारे सांसारिक पिताओं के साथ के अनुभवों को देखकर हम परमेश्वर पिता के भी बारे में हम विचारधाराएं हम बना के रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे विचारधाराएं, परमेश्वर के बारे में जो विचारधाराएं हैं वो हमारे सांसारिक अनुभवों के द्वारा हमें नहीं बनानी चाहिए। परमेश्वर के बारे में जो विचारधाराएं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है उसके अनुसार हमें परमेश्वर के बारे में विचारधाराएं बनानी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, जब प्रार्थना के विषय में जब हम सोचते हैं तो हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास एक बार जा पाते हैं, दो बार जाते हैं, लेकिन बार बार हम नहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर पिता एक डंडा लेकर बैठा है ऊपर, और एक बार गए तो वो समझ लेगा, दो बार, लेकिन बार बार गए तो वो कहेगा अच्छा पिछली बार आया था और कबूली करके गया, प्रार्थना करके गया और कहा कि तू परमेश्वर का, मेरी आज्ञा का पालन करेगा, अब फिर तू आ गया। तो हम परमेश्वर के बारे में ये सोचते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे क्रोधित है या परमेश्वर हमसे नाराज है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सांसारिक पिताओं से हमें इस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है ना। सांसारिक पिताओं के पास जब हम जाते हैं, एक बार जाए, दो बार जाए, तीन बार जाए, चौथी बार जाए, तो हमको फटकार मिलती है और पिताजी कहते हैं कि कितनी बार, 10 बार, कितनी बार कहना चाहिए एक ही बात को। कई बार हम परमेश्वर के बारे में इस तरह की नजरिया बनाते हैं और कई बार प्रार्थना में हम परमेश्वर के पास आना तो चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन हम गिल्ट से गुजरते हैं। क्यों गिल्ट से गुजरते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे शरीर में हमने किस तरह का जीवन बिताया पिछले एक दिन में या दो दिन में, एक सप्ताह में या दो सप्ताह में, और हमेशा अपने शरीर में हम हारते हुए देखते हैं, असफलताएं देखते हैं, तो हम हमेशा गिल्ट ड्रिवन रहते हैं। गिल्ट की वजह से या फिर शर्म की वजह से हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्रोध से भरा हुआ है और परमेश्वर मुझे गुस्से से देख रहा है और हम शर्म के मारे परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए नहीं आते हैं। सो दोस्तों, ये पहली बात है, परमेश्वर के पिता के प्रति गलत विचारधाराएं, राइट? अगर ये जो विचारधारा है जो हम सोच रहे हैं, मैं कहूंगा ये गलत विचारधारा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के बारे में ये विचारधाराएं नहीं देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इंसान के जैसा नहीं है, परमेश्वर की सोच इंसानों के सोच के जैसे नहीं है, परमेश्वर के भावनाएं इंसानों के भावनाओं के जैसे नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परम प्रधान परमेश्वर का हां हां होता है,
ना ना होता है, और परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द पत्थर का लकीर होता है, और जो शब्द उसके मुंह से निकलता है परमेश्वर स्वयं भी उस जो शब्द उसने कहा उससे वो अपने आप को मोड़ता नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए दोस्तों आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर अपने बारे में हमें क्या विचारधाराएं देता है इसे हम गौर से देखें। दो विचारधाराएं हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा कि हम इसे जानें और समझें अच्छी तरह से, क्योंकि मैं यकीन करता हूं अगर ये क्षेत्रों में ये विचारधाराएं परमेश्वर के प्रति अगर हम बदल दें तो हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना के साथ और परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ जो हृदय है वो लेकर आने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होगी या झिझक महसूस नहीं होगी या रुकावट नहीं होगी। पहला विचारधारा है दोस्तों, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारे लिए परमेश्वर ने एक खुला इनविटेशन रखा हुआ है, एक खुला निमंत्रण है हमारे लिए कि हम जब चाहे जहां चाहे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे दोस्तों परमेश्वर स्वयं हमें बुलाता है अपनी ओर। देखिए यशायाह का किताब 5वां अध्याय उसके पहले वचन से 3रे वचन में परमेश्वर कहता है कि आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपए न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही के आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरे और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकने चिकने वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। दोस्तों ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए खुला आमंत्रण है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी जरूरतों के लिए हमारे निवेदनों को लेकर हम जब चाहे तब जा सकते हैं। और ये तब मुमकिन, और ये इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उस दिन जिस दिन हमने सुसमाचार को जाना, सुसमाचार को समझा, यीशु मसीह के उद्धार को जाना, हमारे पापों से पश्चाताप किया और यीशु के ऊपर विश्वास किया, उस दिन से लेकर ये जो फाटक है, ये जो निमंत्रण है हमारे लिए खुला है। दोस्तों हाँ, एक समय था जब परमेश्वर हमारे साथ क्रोधित, कब और क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने संसार की रचना की, जब उसने पृथ्वी को बनाया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, परमेश्वर की इच्छा यह थी कि हम उसकी आज्ञाओं के पालन करते हुए इस जिंदगी को गुजारें। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं जो आदम और हवा, जो पहले स्त्री और पुरुष परमेश्वर की आज्ञा न पालन करने की वजह से उन्होंने परमेश्वर के विरोध हो गए। उनके विरोध होने की वजह से हम भी उनके विरोध हो गए। हम जो इस शरीर में हमारा जन्म होता है हम भी पापी है, हम भी परमेश्वर रहित जीवन हम बिता रहे थे। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं पालन कर रहे थे, परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे थे, हम परमेश्वर से नफरत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ये सारी चीजें होने के बावजूद, हम परमेश्वर के प्रति इस तरह का व्यवहार बनाने के बावजूद परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हम जैसे पापियों को, हम जैसे दरिद्रों को छुड़ाने के लिए अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को उन्होंने हमारे लिए भेज दिया, ताकि जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तब यीशु के चेले हो जाते हैं और हमारे पापों से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें पूरी तरह से ग्रहण करते हैं। मेरे दोस्तों पूरी तरह से, एफिसियों की किताब उसका 1वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसकी उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। दोस्तों ये मुफ्त नियंत्रण हमें मसीह के द्वारा, मसीह ने जो राह बनाया है वो राह के वजह से हमने ये हासिल किया है। और इसलिए इब्रानी को किताब उसका 19वां वचन और 22वां वचन में लेकर लिखता है, सो हे भाइयों जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाय हो गया है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ
और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़कावा लेकर और देह की शुद्धि जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। दोस्तों, मसीह के वजह से, प्रभु यीशु के वजह से परमेश्वर हमें धार्मिक ठहराता है। परमेश्वर का हृदय हमारे प्रति एक क्रोध भरा हृदय नहीं है। परमेश्वर का हृदय हमारे प्रति एक प्यारे प्रेम करने वाले पिता के जैसा है। और इसीलिए दोस्तों, जब भी हमें परमेश्वर के पास निकट जाना है, हम अपने क्योंकि हमारे भलाई की वजह से, हमारी अच्छाई की वजह से परमेश्वर ने हमें स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने मसीह की भलाई और मसीह की अच्छाई की वजह से हमें स्वीकार किया। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपने ये विचारधारा बनाई है परमेश्वर के बारे में कि वो क्रोधित है, वो गुस्सा है और इसलिए हम उसके पास नहीं जाएंगे, ये विचारधारा को हमें पूरी तरह से हमारे जहन से निकाल देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर प्रेम से हमें स्वीकार करता है। वो परमेश्वर जो हमारे भूतकाल की बातों को जानता है, हमारे वर्तमान की गलतियों को जानता है, वो ये भी जानता है कि भविष्य में गलती क्या हम करेंगे, फिर भी जब हम उनके पास जाते हैं, क्या आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं करते हैं? क्या आप परमेश्वर के शांति का अनुभव नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें मसीह में पूरी तरह से स्वीकार किया है और मसीह में वो हमारे प्रति पूरी तरह से संतुष्ट है। दोस्तों, ये बात को हमेशा याद रखें, क्योंकि अगर ये बात को हम याद रखेंगे तो परमेश्वर के पास जाने में हम बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। दूसरी विचारधाराएं परमेश्वर के बारे में हमें होनी चाहिए, वो है, परमेश्वर ना सिर्फ हमें स्वीकार करता है, हमें प्यार करता है, हमें गले लगाने के लिए उत्साहित रहता है, लेकिन परमेश्वर अपने कान लगाकर हमारे विनंतियों को और हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे धन्यवाद के बलिदानों को स्वीकार करता है। भजन संगीता उसका 69 उसका 33 वचन में, 33वां वचन में देखिए भजन संगीतकार क्या करता है। वो कहता है कि क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है। दरिद्र कौन है? हम है वो दरिद्र जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, और अपने लोगों को जो बंधुए में है तुच्छ नहीं जानता। दोस्तों, ये परमेश्वर अपने बच्चों का विवरण देते हुए ये कह रहा है, हम जो शरीर में दरिद्र है, शरीर में तुच्छ है, लेकिन ये होने के बावजूद भी परमेश्वर हमारे प्रति, जब हम अपने विनंतियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, वो कान लगाकर सुनता है और हमारे बंधुओं को तुच्छ नहीं जानता, हमें तुच्छ तरीके से नहीं जान देखता और नहीं समझता। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 29 वर्ष में देखिए जो लेखक है वो कहता है कि यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। धर्मी कौन? हम। दरिद्र भी हम है, धर्मी भी हम है। दरिद्र हमारे शरीर में, हम दरिद्र हैं, हम पापी हैं, धर्मी हम मसीह में हो गए हैं। मसीह ने हमें उसके लहू के द्वारा, उसके धार्मिकता को हमें देने के द्वारा उसने हमें धर्मी बनाया है। और परमेश्वर ये धर्मी जो यीशु के लहू बहाने के द्वारा छुटकारा पाया, उनके प्रार्थनाओं को सुनता है, ऐसे वचन लिखता है। और दोस्तों, और एक बात परमेश्वर के चरित्र के बारे में हम जाने, जो हम अपने सांसारिक पिता में नहीं देखते हैं, वो ये बात है कि हम सांसारिक पिता के पास बार बार एक ही बात अगर लेकर जाएं तो हमें भगा देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता, जब हम बार बार परमेश्वर के पास अपने प्रार्थनाओं को और विनंतियों को ले जाता है, वो प्रशंसित होता है, वो आनंदित होता है, वो हमारे प्रार्थनाओं को जवाब देने के लिए तत्पर रहता है। ये कैसे हमें मालूम पड़ता है? लूका की किताब में 18 अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन में यीशु ने बताया हमें। यीशु जो पिता को जानता है, यीशु जो परमेश्वर को जानता है, वो पिता के बारे में ये कहते हुए एक दृष्टांत के जरिए वो हमें ये बताता है। वो कहता है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मेरे विद्रोहियों से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर
अंत को मेरे नाक में दम कर ले। और प्रभु यीशु हमसे ये कहता है कि सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय नहीं करेगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? दोस्तों, ये दृष्टांत में यीशु मसीह हमें बहुत ही स्पष्ट तरह से हमें ये बता रहा है कि परम पिता परमेश्वर प्रशंसित होता है जब हम परमेश्वर के पास हमारे प्रार्थनाओं को और विनंतियों को बार बार लेकर जाते हैं और परमेश्वर के पास हम विनंती करते हैं। जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाते हैं तो परमेश्वर की हमारे तरफ परमेश्वर हमसे सिर्फ एक ही बात की चाहत रखता है। वो ये चाहत रखता है कि हम जब भी प्रार्थना करें हम विश्वास से प्रार्थना करें, बिना कोई शक किए हुए। प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए किया है उसके ऊपर पूरा यकीन करते हुए, जानते हुए कि हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं और जो हमें चाहिए वो मांग सकते हो, विश्वास के साथ हमें मांगना है। तो इस तरह की प्रार्थना वो चाहता है, जानते हुए कि परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार जब सही समय होगा वो जरूर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सो दोस्तों, ये रहा पहला बाधा। मैं आशा करता हूं कि ये जो बाधा है ये आज से लेकर आपको सताएगा नहीं। आप परमेश्वर के पास जाने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये जान गए हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और वो आपको पूरी तरह से मसीह में उसने स्वीकार कर लिया है। दूसरी बाधा जो भी बहुत जरूरी है, जो भी बहुत मुख्य है, जिसे हमें अपने रास्ते से हटाना है ताकि हम पूरी दिल से, तन से, मन से परमेश्वर के पास प्रार्थना में आगे बढ़े, वो है स्वयं के ऊपर गलत आत्मविश्वास। देखिए, लूका की किताब उसका 12 अध्याय 16 वचन, 16 वचन से लेकर 21वें वचन में यीशु मसीह एक दृष्टांत के जरिए एक धनी व्यक्ति के एटीट्यूड के बारे में, धनी व्यक्ति के एटीट्यूड के बारे में हमें कुछ बातें बता रहा है। होता है कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपने बखारियां यानी कि जो कमरे थे जहां पे अनाज को रखा जाता था, उसे तोड़कर बड़े बड़े कमरे बनाऊंगा और वहां अपने सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रह गई है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह उसका क्या होगा? दोस्तों, जाने में या अनजाने में कई बार हम अपने स्वयं के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे हाथों में है। कई बार हम ये गलत फैमिली से हम चलते हैं। गलत फैमिली हमेशा हमारे मन में रहती है कि हमारे जीवन का नियंत्रण हम कर सकते हैं, हम स्वयं के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। क्यों? कहीं पे कुछ लोग कहेंगे, क्यों निर्भर है? क्योंकि भाई मैंने तो बहुत पढ़ाई की है, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने डिग्री किया है, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने MBA किया है, मेरी पढ़ाई मैंने इतनी की है, दुनिया में कहीं ना कहीं तो मैं जगह बना लूंगा। कुछ लोग कहेंगे, पढ़ाई नहीं है मेरे पास लेकिन बहुत पैसा है, मेरे मम्मी पापा से इतना सारा पैसा मिला है, वो पैसे का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं ये दुनिया में मैं जी लूंगा और मजे से और आराम से जी लूंगा। कुछ लोग कहेंगे, मेरे पास ना तो पढ़ाई है ना तो पैसा है लेकिन मेरे पास जवानी है, मेरी जवानी काफी है, मुझमें जो ताकत है उसका मैं इस्तेमाल करूंगा और कुछ ना कुछ तो जिंदगी में बन के दिखाऊंगा। और इस तरह के हम विचारधाराएं रखते हैं, और ये क्या दिखाता है? जब हम इस तरह के विचारधारा, ये दिखाता है कि हम अपने स्वयं के ऊपर एक गलत आत्मविश्वास बनाकर जीते हैं। और ये क्यों गलत है मेरे दोस्तों? ये गलत इसलिए है क्योंकि जब हम स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास का जीवन बिताते हैं तो हमें
हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं होती है, और इसीलिए यह बात गलत है। क्यों क्यों मेरे दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमें, हम जो चीजों को चीजों के बारे में सोचकर हमें लगता है कि अच्छा ये हमारे नियंत्रण में, जब हम नियंत्रण में है, मेरा लाइफ कंट्रोल में है, हमारी पढ़ाई हो गई, पैसा हो गया, हमारा जवानी हो गई, हम ये भूल जाते हैं कि संसार में आज अगर हम जिंदा है तो बस ये तीन चीजों के वजह से नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, खास करके आत्मिक स्तर है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवनों के ऊपर नियंत्रण रखता है। अगर ये तीनों चीज आज जिसके बारे में हमने जिक्र किया, पढ़ाई, पैसा और जवानी, अगर ये हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता था, तो आज जो प्रकोप से हम गुजर रहे हैं, जो कोरोना वायरस से गुजर रहे हैं, हम इसमें से बहुत पहले निकल जाते थे। नहीं मेरे दोस्तों, परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर अपनी मर्जी, परमेश्वर परमेश्वर है, और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से आज हम जिंदा है। परमेश्वर की दया की वजह से हम अपनी जिंदगी को दिन प्रतिदिन आनंद से मना पाते हैं, सुख से मना पाते हैं। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता, अगर परमेश्वर नियंत्रण में नहीं होता, तो आज तो ये पृथ्वी गायब हो जाती। आप भूमंडल को देखिए, भूमंडल जो चांद है, सितारे हैं, अलग अलग प्लैनेट से, परमेश्वर हर चीज का नियंत्रण रखता है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ये जो जिस तरह का सेटिंग है भूमंडल में, उसमें जरा सी भी एक आंच आ गई, जरा सी भी एक आंच आ गई या हिल गया, तो पृथ्वी, सबसे पहले पृथ्वी गुल हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हम सब उसमें गायब हो जाएंगे। और इसलिए दोस्तों, हमें यह जानना और समझना जरूरी है, हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण, हमारा नियंत्रण नहीं है, परमेश्वर का नियंत्रण है। और इसीलिए हमें अपने आत्मविश्वास को, अपने स्वयं के ऊपर अधीन रहना, स्वयं के सामर्थ्य के ऊपर अधीन रहना, उस बात को धुतकारना है और हमारे जीवनों से निकालना है, और परमेश्वर के ऊपर हमें निर्भरता दिखाना है, परमेश्वर के ऊपर हमें निर्भर होना है। और उसमें प्रार्थना और धन्यवाद, ये हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है? क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से ये जाहिर करते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन के ऊपर काबू नहीं करता हूं, तू परमेश्वर, सिर्फ तू ही है जो मेरे जीवन के ऊपर काबू करता है। हम परमेश्वर को यह जाहिर करते हैं, परमेश्वर मेरी निर्भरता मेरे ताकतों पे नहीं है, मेरी क्षमताओं पे नहीं है, परमेश्वर आपके ताकत पे है, आपके सामर्थ पे है, आपके क्षमताओं पर है। जब हमारे जीवन के छोटी छोटी चीजों को भी परमेश्वर के सम्मुख हम रखते हैं, छोटी छोटी चीजों को भी, हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के छोटी चीज के लिए भी, परमेश्वर तू, परमेश्वर मैं तुझ पर निर्भर हूं। जब हम धन्यवाद करते हैं, जैसे पौलुस ने कहा कि हर परिस्थितियों में हम धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए, तो हम धन्यवाद करते हैं, तो हम परमेश्वर को यह जाहिर करते हैं कि परमेश्वर मैं आप में संतुष्ट हूं, जो आपने मेरे लिए जीवन में किया है मैं संतुष्ट हूं, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना दिख रही हो, लेकिन आपने जो मेरे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा जो नया कार्य और जो नया परिवर्तन किया है, वो बात मेरे जीवन में सबसे बड़ी है, और उसी बात में मैं संतुष्ट हूं और मैं खुश हूं। ये बात को हम जाहिर करते हैं जब हम धन्यवाद के साथ जाते हैं। और इसीलिए मेरे दोस्तों, पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया को भी यही कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और इसलिए दोस्तों, समाप्त करते करते भाइयों और बहनों, एक और बार मैं चाहूंगा कि और विनंती करूंगा, आइए हम ऐसे प्रार्थना जीवन और ऐसे और धन्यवाद के हृदय को लेकर आने का जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली को हम अपनाएं, और ये जानते हुए अपनाएं, पहली बात कि हमारा परमेश्वर हमें मसीह यीशु में पूरी तरह से स्वीकार करता है, पूरी तरह से हमसे प्रेम रखता है, और हर वक्त तत्पर रहता है कि हमें वो गले लगाकर हमें चूमे और हमें अपने आशीषों से भरे। दोस्तों, बिल्कुल भी ये विचारधाराएं ना रखें कि परमेश्वर आपसे क्रोधित है या परमेश्वर आपसे निराश है।
प्रभु यीशु ने, यीशु में उसने हमें पूरी तरह से माफ किया है और पूरी तरह से स्वीकार किया है। और जब भी वो हमें देखता है उसके हृदय में सिर्फ आनंद आनंद ही आनंद रहता है। वो आनंद मनाता है हमारे ऊपर जो मसीह ने हमारी जिंदगी में किया है। और दूसरी बात, ये बात के साथ ये भी बात जानते हुए कि परमेश्वर सिर्फ प्रेम करने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, अपने कान लगाने वाला परमेश्वर है, हमारे विनतियों को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। और जब हम इस तरह की जीवन शैली को हम अपने जीवन में बनाए, एक मुख्य बात को बनाने की कोशिश करें, जो दूसरी बाधा है जो हमारे रास्ते में आ सकता है वो है स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास, स्वयं के ताकतों के ऊपर आत्मविश्वास, जिसे हमें अपने जीवन से दूर करना है। हमें अपने ऊपर और हमारी क्षमताओं के ऊपर निर्भरता नहीं जताना है या नहीं जताना है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर हमें अपनी निर्भरता जताना है दोस्तों। और इसलिए दोस्तों प्रार्थना के विषय में मैं जब सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि प्रार्थना जीवन बच्चों की तरह, हमारी प्रार्थना के जीवन अगर हमें बेहतर बनाना है परमेश्वर के प्रति, तो हमें बच्चों की तरह सोचना चाहिए। बच्चे कैसे प्रार्थना करते हैं, आपने अगर बच्चों को प्रार्थना करते हुए सुना होगा तो आपने जाना होगा बच्चे दिल खोलकर खुलकर जो उनको चाहिए वो मांग लेते हैं, बिल्कुल झिझक नहीं करते, छोटी सी छोटी चीज भी वो मांग लेते हैं। जब धन्यवाद करते हैं तो हर चीज के लिए, छोटी सी छोटी चीज के लिए भी वो धन्यवाद कर लेते हैं। मेरे बच्चों को मैं बढ़ता हुआ देखता हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे कभी कभी छोटी तुच्छ चीजों के लिए भी परमेश्वर से मांग लेते हैं। एक बार जहां हम पहले रहते थे वहां पे बहुत मच्छर हुआ करता था, मुझे याद है मेरा जो बड़ा बेटा है, एक बार प्रार्थना करते करते परमेश्वर का, परमेश्वर हमारे घर में बहुत मच्छर है, ये मच्छर को आप खलास कर दो, निकाल दो। बच्चे जो है वो दिल खोलकर परमेश्वर के पास आते हैं और अपनी निर्भरता को जाहिर करते हैं और हर चीज के लिए धन्यवाद देते। तो आइए दोस्तों हम भी बच्चों से सीखे, राइट। प्रभु यीशु हमसे कहता है कि बच्चों से हमें सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। नो, बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों का दिल जो है वो बहुत मासूम होता है। बच्चे आसानी से यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। हमें इस तरह का हमारा भी मन होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचें, परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाने में और परमेश्वर के पास धन्यवाद करने में जब जाएं, तो इस तरह की हमारी सोच बनाकर हम जाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, परमेश्वर आपके वचन के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर आपने हमें प्रचलित किया, हमें उत्साहित किया, हमें प्रोत्साहित किया, क्योंकि हम जब चाहे जहां चाहे परमेश्वर आपके उपस्थिति में हम प्रवेश कर सके आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जानते हुए कि परमेश्वर आप प्रेम रखने वाले परमेश्वर है, हमारे से क्रोधित नहीं है, हमें डंडा नहीं मारेंगे, लेकिन हमसे प्रेम करेंगे और हमसे प्रेम करते हैं, ये जानते हुए और ये जानते हुए कि परमेश्वर आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, ये जानते हुए हमें मदद करके हम आपके पास प्रार्थना में आए। और अगर कोई भी प्रकार का जरा से भी अंश हमारे में आत्मनिर्भरता, स्वयं के ऊपर हमने अगर निर्भरता रखा हुआ है, अगर हम अपने आत्मविश्वास के ऊपर ज्यादा यकीन करते हैं, जिसके वजह से हम आपके पास आना मुनासिब नहीं समझते हैं और अपने तरह से अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करते हैं, अपने तरह से अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करते हैं, अगर इस तरह का हमारी जीवन शैली है, तो परमेश्वर और हमें माफ कर, हमारे गलतियों को माफ कर, हम आपके ऊपर निर्भर होना चाहते हैं, हमारे जीवन के छोटी से छोटी चीज के लिए भी हम आपके लिए निर्भर होना चाहते हैं। प्रभु यीशु, आपके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी प्रार्थना मैं मेरे लिए और मेरे सारे भाइयों और बहनों के लिए मांगता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद।